से ही जलाशय भरता है, दीप से ही दीप जलता है, उसी प्रकार प्राण से प्राण सचेत होता है। चरित्र को देखकर ही चरित्र बनता है। गुरु के संपर्क, सानिध्य, उसके जीवन से प्रेरणा लेकर ही मनुष्य बनता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम शिक्षक समुदाय अपना उत्तरदायित्व निभाने आगे आए। बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में अध्यापकों के शिक्षण के अलावा उनके अपने व्यक्तित्व की एक मूक मगर महत्वपूर्ण भूमिका है। शब्दों से अधिक आचरण का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का उद्देश्य और अर्थ एक विशेष विशेष की जानकारी देना भर नहीं, अपितु बालक के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। इस सम्यक सोच के अभाव में शिक्षण कार्य को एक नौकरी भर समझा जाता है और इस समय शिक्षक की गरिमा कम हुई है। अध्यापक का स्वरूप एक तपस्वी, वात्सल्यमय अभिभावक, निष्कलंक व्यक्तित्व का स्वामी, ज्ञान प्रदाता, ऋषि समान होना चाहिए। आज गुरु कुल पद्धति की तर्ज के विद्यालयों की महती आवश्यकता है। न केवल शिक्षक अपने ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा छात्रों के लिए श्रद्धास्पद बने, अपितु अभिभावकों को भी उन्हें सदा सम्मान देना चाहिए। ये कहना कि अध्यापक के प्रत्येक क्रियाकलापों और संपूर्ण व्यक्तित्व का सूक्ष्म निरीक्षण करता हुआ बालक अपने शिक्षक की रोज परीक्षा लेता है, गलत न होगा। प्रस्तुत है शिक्षकों के उत्तरदायित्व पर एक प्रेरक और पठनीय पुस्तक, जो कहती है कि आज शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के समावेश व गुरुजनों को अपने उत्तरदायित्व का बोध होने पर ही बालकों के भावनात्मक नवनिर्माण संभव है। पुस्तक के कुछ अंश। माता पिता के बाद बालकों के नवनिर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापक की होती है। वस्तुतः कहने सुनने का इतना प्रभाव नहीं होता जितना अपने व्यक्तित्व के माध्यम से बताने का। आचार्य के शिक्षण, उसके जीवन, व्यवहार, चरित्र से ही बालक जीवन जीने का ढंग सीखता है। बच्चा यदि गलत आचरण करता है तो यह अभिभावकों की त्रुटि का परिणाम है। इसी प्रकार विद्यार्थी यदि अनुशासनहीन है, उद्दंड है, बनते हैं, तो वह शिक्षकों की भूल गलती का परिणाम ही माना जाएगा। चरित्र निर्माण की व्यवहारिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं मिल सकती, वह व्यक्ति की समीपता से उसके चरित्र आचरण को देखने से प्राप्त होती है, जो आज की शिक्षा पद्धति में नहीं के बराबर है।